नॉवेल्स, और आज मैं रिव्यू करने वाले हूँ दीवान ओरिफ्लेम के फेस पाउडर के बारे में। गाइस, ये जो फेस पाउडर है वो क्या कहते हैं, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट है और इसका नाम है दी वन। आप देख सकते हैं ये इसकी एक छोटी सी क्यूट सी पैकेजिंग है, पॉकेट फ्रेंडली है, आप इसको इजीली क्या कहते हैं अपने पर्स में कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है। और गाइस, अगर आप क्या कहते हैं इसको मैं आपको खोलकर दिखा देती हूँ, ये बहुत टाइट पैकेजिंग है इसकी। एक बार देखो, आप देख सकते हैं एक हाथ से तो इसको ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक मिरर मिल जाता है इसको अपने फेस को देखने के लिए, और क्या कहते हैं आपको यहाँ पे एक ये पैड मिलता है जिससे आप इस पाउडर को क्या कहते हैं अपने फेस पे लगा सकते हैं। अगर आप बात देखें इस पाउडर के स्ट्रक्चर को तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल मैट कलर है, कोई भी साइन नहीं है इस पाउडर में। जब आप इसको अपने मेकअप को सेट करने के लिए फेस के ऊपर लगाते हैं तो वो ये आपको एकदम मैट फिनिशिंग देता है। और मैं इस प्रोडक्ट की जो डिटेल आई थी उस से मैंने ये पता किया है कि इस प्रोडक्ट का जो ये जो प्रोडक्ट है वो क्या कहते हैं आपको सन से भी प्रोटेक्शन देता है। ये SPF 15 है, ओके, तो मतलब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये आपको सन प्रोटेक्शन भी देता है। यहाँ आप देख सकते हैं SPF 50, ओके, तो गाइज़ ये आपको सन प्रोटेक्शन भी देता है। और अगर आप इसकी बात करें इसको कौन से स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, तो इसको ऑयली, नॉर्मल एंड ड्राई स्किन वाले तीनों ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गर्ल्स, बॉयज़ कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और अगर आप बात करें इसकी फिनिशिंग की, तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल मैट फिनिशिंग आती है। और क्या कहते हैं ये आपके फेस पे जो मेकअप है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, और इससे आपका जो मेकअप है बहुत ज़्यादा टाइम तक आपके फेस पे स्टे रहता है, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए। ऑयली स्किन वाले इसको लगाने के बाद स्पेशली अपने फेस पे क्या कहते हैं मेकअप को 4 आवर्स तक स्टे कर सकते हैं। अगर समर की बात करें जाए तो समर्स में इसका वर्क उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि समर में ऑयल क्या कहते हैं स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मेकअप के साथ ये मेकअप को उतनी ज़्यादा देर तक आपके फेस पे स्टिक नहीं रखता है। हार्डली 2 आवर्स तक आपके फेस पे ये रहता है, उसके बाद इसका वर्क इतना अच्छा नहीं होता है। ऑल एंड ऑल गाइस, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है, आपकी स्किन को इवन टोन करता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनाता है। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप इसकी प्राइस की बात करें गाइस, तो ये आया था, और हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस आई थिंक 700 to 800 के बीच में है, पर ऑनलाइन ऑफर्स आते हैं तो आपको ये कम या फिर ज़्यादा रुपीज़ में भी मिल सकता है। और आप इसके अगर नेट वेट की बात करें तो ये है 8 ग्राम का, और ये है GB कंप्रेस्ड पाउडर विद SPF 15। ओके गाइस, तो ये आपको, आप अगर इसको डे टाइम में यूज़ करते हैं तो आपको ये सन प्रोटेक्शन भी करता है, ठीक है। आप इसको क्या कहते हैं अपने मेकअप में यूज़ कर सकते हैं, और आपके मेकअप को ये सेट करने में हेल्प करता है, और इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑल एंड ऑल ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आप इसकी रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 5 में से 4 रेटिंग देना चाहूँगी, बिकॉज इसकी प्रोडक्ट वेट के अकॉर्डिंग इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।